हाँ जी सर, तो पहले गुड आफ्टरनून सबको, सब ठीक ठाक? ओके, तो हमारा चल रहा है क्या, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 यूनिट नंबर 1, आज इसकी समाप्ति हो जाएगी, यूनिट 1 आज आपका फिनिश। अब आपका जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है एक बार रिवाइज कर लें क्या, बनता है आपकी फर्स्ट क्लास? आप पहले, अच्छा बीच में, ओके। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में सबसे पहली बात मैंने आप लोगों को क्या बताया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कब स्टार्ट हुआ था, 1 जुलाई 1930 को सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट हुआ करता था। अब ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट नहीं है क्योंकि 1 जुलाई 1930 को एक सेपरेट एक्ट बनाया गया, ये पहले 7th चैप्टर हुआ करता था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ठीक है जी। हम लोगों को 4 यूनिट इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं, जिसमें यूनिट नंबर 1 ऑलमोस्ट आपका मैंने ख़त्म कर दिया है, तो जो ख़त्म किया है एक बार उसके बारे में चर्चा करते हैं, रिविज़न करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने गुड्स की आपको सबसे पहले मीनिंग बताई, डेफिनेशन, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, छोड़कर मनी एक्शनेबल क्लेम को, लेकिन गुड्स में इन्वॉल्व होता है शेयर्स, स्टॉक्स, ग्रोइंग क्रॉप्स और ट्रीज, जो कि फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड है, और आप उसको लैंड से क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो, एग्री टू सेवर्ड फ्रॉम द लैंड। लैंड एंड बिल्डिंग गुड्स नहीं होती है, वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, उसको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में आप वो करते हो, ठीक है। अच्छा वो आपको मैसेज आया था, अपलोड मैं जल्दी करूँगा नई वाली वीडियो अपलोड। अच्छा इसके अलावा मैंने आपको गुड्स के मीनिंग के अलावा बताया टाइप्स ऑफ गुड्स, तो बेटे गुड्स कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के गुड्स होते हैं, एक होता है एग्जिस्टिंग गुड्स, एक होता है फ्यूचर गुड्स, एक होता है कॉन्टिंजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स वो वाला गुड्स होता है जो एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्जिस्टेंस में होता है, फ्यूचर गुड्स वो वाला गुड्स होता है जो एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्जिस्टेंस में नहीं रहता, कंटिंजेंट गुड्स मतलब ऐसा गुड जिसकी डिलीवरी, जिसकी सेल डिपेंड करती है किसी फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे। एग्जिस्टिंग गुड्स हमारा 3 टाइप का होता है, कौन कौन सा, एक स्पेसिफिक गुड्स, एक एसर्टेन गुड्स और एक अनएसर्टेन गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स वो वाला गुड्स होता है जो एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पहले से आपको पता होता है। स्पेसिफिक गुड्स के बाद एसर्टेन गुड्स होता है, ये वो वाला गुड्स होता है जो अनएसर्टेन से पहले बल्क में निकालते हैं और एसर्टेन गुड्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एंटर होने के बाद एसर्टेन किया जाता है, क्लियर था। फिर मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या होता है, तो बेटे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मतलब इट मीन्स व्हेन वन पर्सन ट्रांसफर्स मतलब इमीडिएटली सेल, और एग्रीज टू ट्रांसफर्स मतलब फ्यूचर में करेगा, जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स टू बायर फॉर प्राइस, तो क्या कहते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सेक्शन नंबर 4। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बाद डिलीवरी ऑफ गुड्स में कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, 4 फॉर्मेलिटी बताई थी, इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स इमीडिएट पेमेंट, फ्यूचर डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्यूचर पेमेंट, इमीडिएट डिलीवरी फ्यूचर पेमेंट, फ्यूचर डिलीवरी इमीडिएट पेमेंट, सही है यहाँ तक हो गया। कुछ डिफरेंसेस करे हमने सेल, कोई डाउट किसी को, कुछ डिफरेंसेस मैंने आपको बताया सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच में। सेल बेटे सेल में ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, एग्रीमेंट टू सेल में, फ्यूचर में। सेल में कॉन्ट्रैक्ट कौन सा इन्वॉल्व होता है, एग्रीमेंट टू सेल में एग्जीक्यूटरी। सेल में कौन सा गुड्स इन्वॉल्व होता है, एग्जिस्टिंग, और एग्रीमेंट टू सेल में एग्जिस्टिंग और फ्यूचर दोनों इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है बेटे। सेल में बायर पे राइट होता है जस्ट इन रेम, और एग्रीमेंट टू सेल में जस्ट इन पर्सोनेम, जस्ट इन रेम मतलब राइट अगेंस्ट द होल द वर्ल्ड, और पर्सोनेम मतलब राइट अगेंस्ट ओनली विद ओनली बायर, ओनली सेलर सॉरी। अगर बायर इंसॉल्वेंट हो चुका है, सेल हो चुकी है, तो बायर का लिक्विडेटर सेलर से गुड्स क्लेम कर सकता है कोई प्रोपोर्शनेट अमाउंट हो तो वो देकर, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में गुड्स क्लेम नहीं कर सकता, ओके था। अगला मैंने डिफरेंस बताया डिफरेंस बिटवीन सेल एंड हायर, हायर परचेज मतलब कौन सा एग्रीमेंट,
रेंटल एग्रीमेंट, जब हम रेंट पर कोई सामान लेते हैं, हायर परचेज होता है, खरीदने वाला, खरीदना तो बोलेंगे ही नहीं, रेंट पर लेने वाला उसको बोलेंगे हायर परचेजर, जिससे लिया उसको बोलेंगे हायर वेंडर। कोई दिक्कत सर? अब इसमें डिफरेंस क्या है? तो सेल में ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होती है, हायर परचेज में ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। सेल में गुड्स की डिलीवरी इमीडिएटली ट्रांसफर हो भी सकती है और फ्यूचर में भी, लेकिन हायर परचेज तो बनाई इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स के लिए, इमीडिएट डिलीवरी। सेल के अंदर बायर गुड्स को रीसेल, लेकिन हायर परचेज में रीसेल, क्योंकि वो खुद ही ओनर नहीं है। सेल में जनरली बायर सेलर को गुड्स रिटर्न नहीं कर सकता, लेकिन हायर परचेज में कभी भी जब मन करा तो रिटर्न कर दे। ठीक है बेटे, इसके अगला डिफरेंस था डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बेलमेंट। बेलमेंट का मतलब क्या होता है? बेलमेंट मीन्स ट्रांसफर ऑफ पजेशन ऑफ, यानी कि कस्टडी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन, दैट इज बेलर, उसको क्या बोलेंगे? बेलर। और जिसको ट्रांसफर किया उसको ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी इसमें? तो बेलमेंट में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, और सेल के अंदर ओनरशिप ट्रांसफर होती है, सेल बनाई ओनरशिप के लिए। सेल ऑलवेज नॉन ग्रेचुअस होता है, सेल ऑलवेज क्या होता है? नॉन ग्रेचुअस होता है। बात समझ में आ रही है? और बेलमेंट ग्रेचुअस भी और नॉन ग्रेचुअस भी। सेल में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल है, और बेलमेंट में, समझ में आ गया? यहाँ तक हमारा डन था। फिर इसके बाद अगला डिफरेंस मैंने बताया, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर हायर वर्क एंड लेबर। जब भी किसी कॉन्ट्रैक्ट में वर्क एंड लेबर, यानी कि सर्विसेज की वैल्यू ज़्यादा है और थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट सेल की भी है, तो होल ट्रांजेक्शन को आप क्या मानोगे? वर्क एंड लेबर। समझ में आई बात? तो आपको पेंटर वगैरह का एग्जाम्पल दिया था, याद होगा, एम एफ हुसैन वगैरह का। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसके बाद मैंने आपको डिलीवरी ऑफ गुड्स का मतलब बताया। तो डिलीवरी ऑफ गुड्स मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पजेशन ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड डिलीवरी ऑफ गुड्स। डिलीवरी ऑफ गुड्स तीन टाइप के हो सकते हैं, एक एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स, और एक्चुअल तो बता दिया, सिंबॉलिक डिलीवरी, और तीसरा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी, एक्चुअल में फिजिकली गुड्स उठाकर दिया जाता है सेलर के द्वारा। सिंबॉलिक में गुड्स उठाकर नहीं दिया जाता, टोकन दिया जाता है। और कंस्ट्रक्टिव में एक्नॉलेजमेंट दी जाती है, गुड्स की पोजीशन एक ही जगह पर रहती है, ओनरशिप चेंज हो जाती है। डन। फिर इसके अलावा, इसके बाद हमने दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया, जिसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एंड इट्स इंडोर्समेंट। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का मतलब क्या होता है? सर, आप एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है जो कि ट्रांसफरेबल है बाय डिलीवरी और इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट मतलब साइन कर देना पेपर पर, आगे बढ़ा देना। तो साइन कर देना और आगे बढ़ा देना मतलब इंडोर्समेंट। तो सर, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? तो एग्जांपल बहुत सारे हैं। एक आपको मैंने बिल ऑफ लेडिंग बताया, जो शिप के अंदर का डॉक्यूमेंट होता है सामान का। एक डॉक वारंट बताया, जो डॉक पर यानी बंदरगाह पे रखे हुए सामान का एक ओनरशिप होता है, पेपर होता है। रेलवे रिसिप्ट, स्टोर कीपर सर्टिफिकेट, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट और मेट्स रिसिप्ट। क्या मेट्स रिसिप्ट में किसी को कुछ कहना है? मेट्स रिसिप्ट में किसी को कुछ कहना है? मेट्स रिसिप्ट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं होता। मेट्स रिसिप्ट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं होता। और शेयर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं होता, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल होता है। सही है जी? क्या यहीं तक बताया था? यहीं। और ये हमारी क्लास खत्म हो गई थी। आपने भेजा था ना मुझे, वो मैं कुछ कर रहा था उस टाइम पे, बाद में भूल गया, अभी बता देता हूँ। बेटा ये है एक्स, ये एग्जांपल है, एक्स कमीशन्ड, एक्स ने वाई को रखा एन आर्टिस्ट टू पेंट ए पोर्ट्रेट ऑफ ए फॉर $200।
एक्स कमीशंड वाई एन आर्टिस्ट टू पेंट ए पोर्ट्रेट फॉर $200। ठीक है जी, मैंने पिछली क्लास में बताया नहीं था, ये देखो शेयर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल होता है, मतलब आप उस शेयर सर्टिफिकेट को दिखा सकते हो कि भाई मैं इस शेयर का ओनर हूँ। मैं आपको एक डीप में जाकर नहीं बता रहा, कंपनीज एक्ट में पढ़ते हैं, वो भी इंटर में, जब आपने पूछ लिया तो बता देता हूँ। ए ने बी को अपने शेयर बेचे, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ए के पास है, शेयर का असली मालिक कौन बन गया? बी बन गया। शेयर सर्टिफिकेट में नाम अभी बदला नहीं, इसी बीच में कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया। बताओ डिविडेंड किसको मिलेगा? ए को मिलेगा, जिसका नाम तो कहते हैं डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, समझे? ठीक है सर, करते हैं अब आज की क्लास शुरू। अगला टॉपिक बेटे, बस आज की क्लास थोड़ा सा टॉपिक है, ये देखो इतना सा है और ख़त्म, फिर हमारा यूनिट स्टार्ट होगा अगला, यूनिट नंबर 2 कंडीशन एंड वारंटी। पिछली बार भी पूछा था आपने, वहाँ पहले एग्रीमेंट बनता है सर। यस यस बिल्कुल, वो भी होता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है जी, आ जाओ जी, अब कुछ मिसलेनियस पॉइंट पिछली क्लास में रह गए थे, समय की समाप्ति हो गई थी। अच्छा लाइट चली गई थी ना पिछली क्लास में, अच्छा जैसी क्लास ख़त्म करी लाइट आ गई थी, है ना? ओके, मिसलेनियस पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट है, अगर सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉयड हो जाए तो क्या करें? सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉयड होना मतलब, जैसे कि मान लो कि मैं एक सीमेंट का मैन्युफैक्चरर हूँ और मैंने अपना सीमेंट जो है वो भेजा किसी बायर के पास, और रास्ते में ट्रक के द्वारा वो सीमेंट जा रहा है। अब रास्ते में क्या हुआ, वो सीमेंट जो है ना वो पत्थर बन गया, बन जाता है या नहीं? कैसे बन जाता है? बहुत बारिश हो गई और इंडिया के ट्रक तुम्हें पता ही है, ऊपर से उनकी छत हो या ना हो कोई फर्क पड़ता नहीं है ज़्यादा, तो वो इतनी बारिश हुई ऊपर से ट्रैफिक था, एक ही जगह खड़े रहे, बारिश आती रही, वो सीमेंट अंदर बन गया पत्थर। तो क्या अब उस पत्थर की डिलीवरी की जाए? बायर ने क्या मंगाया? आपको नहीं लग रहा ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी है? वहाँ कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? वॉइड हो जाता है, तो यहाँ पर भी इसको यही करो फिर, सही है? टॉपिक क्या है, लिखा हुआ है मिसलेनियस पॉइंट में डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, मतलब इफ़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज डिस्ट्रॉयड, बस इसके बाद यूनिट 2 स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? अगर सब्जेक्ट मैटर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का डिस्ट्रॉयड हो गया तो फिर कॉन्ट्रैक्ट को क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। सीमेंट टर्न्स इनटू स्टोन देन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विल बिकम वॉइड, क्लियर है? अगला पॉइंट है प्राइस एंड मेथड ऑफ एसर्टेनिंग, प्राइस एंड मेथड ऑफ एसर्टेनिंग, ये कह रहा है कि प्राइस को कौन फिक्स करेगा? जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में प्राइस ही तो मेन चीज होती है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल का एडवर्ब जो मैंने डेफिनेशन बताया उसकी सबसे लास्ट लाइन क्या है? प्राइस है। तो ये कह रहा है कि भाई प्राइस को सेट करने का मेथड क्या होता है? तो बहुत सिंपल है, या तो प्राइस कौन फिक्स करेगा? पार्टी करेगी, या विल बी फिक्स्ड इन एग्रीड मैनर, कोई थर्ड पार्टी करेगी, या डील करते करते आपस में ही हमें पता लग जाएगा। जैसे आप मेरे से डेली सामान लेकर जाते हो, आज आपने मुझे सामान का ऑर्डर दिया लेकिन मैंने आपसे प्राइस की बात नहीं करी और आपने भी मुझसे प्राइस की बात क्यों नहीं करी?
हमारा रोज का काम है, समझ रहे हो। तो हमारा डीलिंग का मैटर ये है कि डेली का काम है तो उसके अकॉर्डिंगली प्राइस फिक्स होता है। लेकिन सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, प्राइस फिक्स बाय पार्टीज। पहले तो यही काम होता है, प्राइस को फिक्स कौन करते हैं, पार्टी। पार्टी नहीं कर पा रही तो प्राइस फिक्स कौन करेगा, थर्ड पार्टी या इन द कोर्स ऑफ डीलिंग। क्लियर है। और अगर थर्ड पार्टी भी प्राइस फिक्स नहीं कर पा रही है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट को आप अवॉइड कर दो। समझ में आ गई बात। ये एक मिसलेनियस पॉइंट है, तो एज सच इसका कोई रोल था नहीं, लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों को बता दिया। तो आज आपका यूनिट नंबर एक क्या होता है, समाप्त होता है। कैसा लगा, ठीक है, बढ़िया लगा। पूछूंगा क्या बेटे कहाँ है, जो है वो बता दिया, ठीक है। कहाँ है इसके पेज, तुम्हारे पास आई नहीं है, वो मैं उसके केवीए टेम्पटर के बाद बताऊंगा। वो वाले जो पॉइंट है वो केवीए टेम्पटर के बाद बताऊंगा, ठीक है। आ जा बेटे, जैसे यूनिट चार में किया था ना, चेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट हो गया। हाँ कोई भी कर सकता है, आ जाओ सर, अवॉइड कर। चलो जी, अब जो इसके कुछ पॉइंट्स हैं उसको मैं यूनिट नंबर दो के बाद यहाँ से लिंक करूँगा, ठीक है जी। तो करते हैं शुरू यूनिट नंबर दो की बात। तो आ जाओ जी, आपका यूनिट नंबर दो स्टार्ट करता हूँ मैं, कंडीशन एंड वारंटी। बहुत अच्छा यूनिट है ये, यूनिट बिल्कुल आपके पकड़ में आ जाएगा। कुछ बेसिक बातें हैं, बस वो बेसिक बातें याद रखनी है। पूरा फिंगर्स पे होगा, जैसे अभी तक का पूरा लॉ आपके फिंगर्स पे है। तो कृपया करके फ़ोन वगैरह अपनी जेब में रख दें, फ़ोन हमारे पास भी है। तो टॉपिक का नाम है कंडीशन एंड वारंटी। बोलने का मौका मत दिया करो, अच्छा नहीं लगता, बड़े हो आप लोग, मेरी उम्र के ही हो, ठीक है। तो यहाँ तुमने बोला गया, पहले ये बता तू छोटा है या हम बड़े हैं, यही कहना चाह रहे हो। क्या होगा, लाइट ऑफ, ये वाली पेट दिखता है वीडियो में, और मेरी वीडियो खराब होगी उसका क्या, एक बार ऑफ करना देखूं मैं। पहले ऑन करो, ऑन करो, ऑन और ऑन करो, नहीं नहीं ऑन रहने दो, ऑन रहने दो। चलो आ जाओ, वापिस आ जाओ। सब ऑन रहने दो, आ जाओ भाई, अब क्लास में आ जाओ। यूनिट है, यूनिट का नाम है कंडीशन एंड वारंटी। अब ये कंडीशन और वारंटी है क्या, एक बार में समझेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना। कंडीशन एंड वारंटी में क्या होता है, एक सेलर और बायर जब एक जगह पर मिलते हैं, फॉर एग्जांपल बायर गया किसके पास, सेलर के पास, किसी गुड्स को लेने गया। बायर सेलर के पास गया किसी गुड्स को लेने के लिए, तो बायर ने सेलर को दो बातें बताई। एग्जांपल नंबर एक, बायर ने सेलर को बोला, मान लो कार लेने गया, उसने कहा कि भाई मुझे एक ऐसी कार चाहिए जिसका माइलेज जो है वो 20 का हो, 20 किलोमीटर का हो, जिसका माइलेज कितने का हो, 20 किलोमीटर का। 20 किलोमीटर समझते हो, मतलब एक लीटर पेट्रोल में 20 किलोमीटर। भाई मैं एक मिडिल क्लास एवरेज बंदा हूँ, मेरे को कार वही वाली चाहिए जिसका माइलेज क्या है, 20 किलोमीटर।
बायर ने अपनी रिक्वायरमेंट सेलर को बता दी। अब सेलर बायर को शोरूम में गाड़ियों के आगे से लेकर जा रहा है और सेलर ने एक गाड़ी पर हाथ रखा और बायर को बोला कि ये वाली गाड़ी आपके लिए सूटेबल रहेगी। बायर ने वाली गाड़ी खरीद ली। गाड़ी को खरीदते ही, नहीं नहीं शादी हुई थी बंदे की, गाड़ी को खरीदते ही उसने अपनी वाइफ को बोला चलो भाई तुझे लॉन्ग ड्राइव पर लेकर चलता हूँ और कहीं घूम के आते हैं, नई गाड़ी खरीदी है। ओके, अब हस्बैंड वाइफ दोनों हाईवे पे निकल गए। तो हाईवे पे ये यमुना एक्सप्रेस वे देखा है तुमने, तो वहाँ हाईवे पे चढ़ो तो आप सीधा मथुरा निकलोगे। उससे पहले एक आधा ही पेट्रोल पंप कहीं मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं है, सीधा सीधा। बढ़िया, उसने गाड़ी चलाई और जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े, 25-30 किलोमीटर चले, गाड़ी रुक गई। तो भाई गाड़ी रुकने के बहुत कारण हो सकते हैं, हो सकता है गाड़ी में कोई तार वार फंस गई हो, कुछ हो गया हो। तो देखा तो सब कुछ क्या था, ठीक था। मैकेनिक को बुलाया गया, वहाँ से बड़ी देर में मैकेनिक पहुँचा। धूप में वो लोग खड़े, गर्मी देख रहे हो कितनी तरबराती हो रही है, धूप में खड़े। इतने में क्या हुआ, मैकेनिक आया। मैकेनिक ने बड़े ही प्यार से उस आदमी को बोला कि कैसे आदमी हो यार, बीवी को लेकर जा रहे हो, इतने भी पैसे नहीं है कि पेट्रोल भरवा सको। उस आदमी की बड़ी बेइज्जती हुई, कह रहा इसकी ऐसी की तैसी, अला पेट्रोल तो पूरा भरवाया था लेकिन यहाँ पर ऐसा कैसे हो रहा है कि ये वाली गाड़ी का पेट्रोल जो है वो ख़त्म हो गया। तो बाद में पता लगा, बीवी में बड़ा झगड़ा हुआ उसका, बड़ा सुनाया उसकी बीवी ने, ऐसी हो शादी में भी ऐसी आए थे, घोड़ी की जगह गधी लेके आए, ठीक है। कह रहा गधी अभी है मेरे साथ पहले नहीं थी, कपड़े भी ढंग से नहीं पहनते, खाते पीते भी नहीं हो, और आज घुमाए ले गया है, इतने पैसे नहीं है पेट्रोल डलवा लो। और खाम खा की छोटी सी बात पे, समझते हो ना कितनी प्रॉब्लम हो जाती है आदमी को, उसका मूड खराब हो गया। यार अच्छा, अब ये सेलर जो है, बायर जो है जिसकी इंसल्ट भी, उसकी गाड़ी रुक गई, ये गया सेलर के पास। उसने सेलर से बोला भाई मैं जब तेरे से गाड़ी खरीदने आया था तो मैंने क्या बोला था तुझे, किस माइलेज की गाड़ी चाहिए, 20 किलोमीटर की, तेरी गाड़ी माइलेज दे रही है मुझे 10 किलोमीटर का, और मुझे गाड़ी ऐसी ही चाहिए जिसमें 20 का माइलेज चाहिए, क्या ये बात मैंने तुझे बताई थी। अरे यस बताई थी, फिर तूने मुझे ये वाली गाड़ी क्यों दी, समझ रहे हो बात को। अभी इसको ना मैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पर लेके आता हूँ इस बात को। जब भी सेलर और बायर एक जगह पर मिलते हैं तो उन दोनों के बीच में सेलर गुड्स से रिलेटेड कुछ डिटेल्स बायर को देता है, बायर अपनी रिक्वायरमेंट बताता है और सेलर उसी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड डिटेल्स बायर को देता है। उस डिटेल्स को बेटा कहते हैं स्टिपुलेशन। क्या कहते हैं, मतलब डिटेल्स। वो डिटेल अगर जो सेलर ने बायर को दिए वो बायर के लिए एसेंशियल है, एसेंशियल मतलब आपको क्या लगता है इस सिचुएशन में एसेंशियल है या नहीं है, अगर वो डिटेल बायर के लिए एसेंशियल है बेटे मेरे उसको बोलेंगे क्या, यहाँ तक ओके। और अगर वो डिटेल बायर के लिए कोलेट्रल है, कोलेट्रल का मतलब होता है सेकेंडरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो उसको बोलेंगे क्या, कुछ आया समझ। चैप्टर का नाम क्या है, यूनिट का, तो कंडीशन एंड वारंटी का मतलब जब कोई सेलर बायर को गुड्स से रिलेटेड कुछ स्टिपुलेशन देता है, मतलब कोई डिटेल देता है, और वो डिटेल्स बायर को सामान खरीदने के लिए एसेंशियल है, मतलब ज़रूरी है, तो फिर वहाँ पर उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशन बोलते हैं। और अगर एसेंशियल नहीं है, कोलेट्रल है, मतलब सेकेंडरी है, तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे हम, ठीक है जी। जो एसेंशियल बात सेलर ने बायर को बोली, सेलर जो है वो अपनी बात से मुकर गया, मुकर गया मतलब उसने गलत सामान दे दिया। तो अब ऐसे में बायर के पास ये जो बी है इसके पास कितने राइट है, मतलब इफ
सेलर ब्रीच मतलब तोड़ना, ब्रीच द कंडीशन, देन बायर हैज हाउ मच राइट, पता है आपको बायर के पास आएंगे कितने अधिकार? अगर सेलर ने ये स्टिपुलेशन तोड़ दी, वो एसेंशियल हुई, तो क्या मानेंगे? कंडीशन, और कंडीशन अगर हो गया तो बायर पे कितने राइट? सबसे पहला राइट है वो राइट टू रिस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या करेगा? कैंसिल करेगा। गुड्स को क्या करेगा? प्राइस क्लेम करेगा। तो ये तीन बातों पर रुकेगा नहीं। एक बात और, वो जो बीवी ने जो बीच सारी दोपहर में उसको गालियां सुनाई, उसका डैमेज क्लेम करेगा। कुछ समझ में आ रही है बात? इन द केस वेयर सेलर ब्रीच द स्टिपुलेशन और कंडीशन, देन बायर हैज फोर राइट, राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, राइट टू रिटर्न द गुड्स, राइट टू क्लेम फॉर प्राइस, राइट टू क्लेम फॉर डैमेज। और अभी अगर आप वारंटी की बात करते हो, तो वारंटी के अंदर क्योंकि सेकेंडरी है या कोलेट्रल है, तो बायर पे जो अधिकार होता है वो कैंसल नहीं होता, रिटर्न नहीं होता, प्राइस नहीं होता, डैमेज होता है। आ रहा है कुछ समझ? तो जब भी सामान खरीदने जाते हैं, तो तुम लोग भी जब भी सामान खरीदने जाते हो कहीं पर भी, तो क्या बायर आपको उस सामान से रिलेटेड डिटेल नहीं देता? लैपटॉप खरीदने गए या फोन खरीदने गए, तो फोन खरीदने गए तो सेलर ने बोला भाई बहुत ही तगड़ा कैमरा है, बस मजा आ जाएगा, इतने स्मार्ट लोग क्या ही बताएं, ठीक है जी, मेमोरी कार्ड इसका बहुत अच्छा है, 256 GB का मेमोरी कार्ड है, और फोन मक्खन की तरह चलता है बिल्कुल। फोन लेकर आ गए, फोटो खींची, डर गए, ठीक है, सेल्फी ली, डर गए, वो अजीब सी सेल्फी आई, अरे ये कौन है? वो खुद ही था, वो कैमरा जो था क्या था? खराब था। तो आपको क्या लगता है आजकल के 5G के दौर में बंदा जनरली फोन किस चीज के लिए खरीद रहा है? फोन पे बात करने के लिए वो खरीद रहा है, यही एसेंशियल बात है, जैसे कि कैमरा, मेमोरी कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में फोन का, छुपा छुपा के हम लोग अंदर फोल्डरों में रखते हैं, वो सबके लिए मेमोरी कार्ड की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें एसेंशियल है, और यही चीज़ मान लो नहीं है, यही चीज़ नहीं है फोन में, बात कर सकते हो बाकी चीज़ नहीं है, नेट नहीं चलता बाकी सब ठीक है, कैमरे में फोटो नहीं आती बाकी सब ठीक है, डाउनलोड नहीं होता बाकी सब ठीक है। हाल ठीक क्या है पहले ये बता दो, बाकी सब ठीक है। तो समझ रहे हो? तो सर इस केस में टेलर ने जो स्टिपुलेशन दी है कैमरे की, और वो कैमरा गलत है, तो फिर वो ब्रीच ऑफ कंडीशन है। बायर पे कितने अधिकार? क्लियर है, समझ में आई बात? आगे बाद में बढ़ेंगे, पहले जरा स्टिपुलेशन को देख लेते हैं। तो बेटा देखो चैप्टर है, कह रहा कंडीशन एंड वारंटी में, टॉपिक का नाम है स्टिपुलेशन, ये कह रहा इट मींस ए स्टेटमेंट गिवन बाय सेलर एंड समटाइम इट मे बी इम्पोज्ड बाय द लॉ। यानी कि सेलर ने अगर बायर को स्टिपुलेशन दी, तो आपको नहीं लगता ये एक्सप्रेस हो गया? क्या हो गया? एक्सप्रेस। और अगर सेलर बायर को स्टिपुलेशन नहीं दे रहा लेकिन वो इम्पोज्ड बाय लॉ है, तो आपको ये लगता है वो इम्प्लाइड हो गया। वो कैसे? एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल देने से पहले चार्जर लगाता हूँ, बंद होने वाला। बेटा मैंने तो नहीं बोला, ये बायर तो अपनी वो बताएगा अपनी बात को, सेलर आपको स्टिपुलेशन देगा। गाड़ी तो सेलर ने दिखाई ना, ये बायर ने दिखाई, तो आपको इतना तो बताना ही पड़ेगा ना, मुझे गाड़ी चाहिए, अपनी साइकिल ले देगा वो आपको। भाई एक मिनट आओगे दोस्त? यार मैं फिट फाट बैठा हूँ, इधर से आना पड़ेगा, इधर से किसको लगाना? हाँ इधर से आ जाए। थैंक यू।
आ जाओ जी, मैं दोबारा बता रहा हूँ, अभी मैं ध्यान से सुनना। स्टिपुलेशन मतलब स्टेटमेंट। बायर गया दुकान पर, बायर ने बोला मुझे ये गुड्स चाहिए, तो सेलर जब गुड्स को दिखा रहा होता है तो सेलर गुड्स को दिखाते वक्त कुछ क्लेम करता है। जैसे कि आपने कभी, आप कोई एक कोई भी एक चीज़ खरीद लो, मान लो आपने मिक्सर ग्राइंडर जूसर खरीदा, तो कभी डब्बा देखा है उसका, बड़ा सा डब्बा, डब्बे को पढ़ो उसके अंदर कुछ कुछ लिखा होता है, 2 ईयर वारंटी, 1 ईयर एक्सटेंडेड वारंटी, और भी कुछ कुछ होता है कि बहुत मजबूत है, जो भी है, ये सब क्या है, ये स्टिपुलेशन ही तो है जो सेलर दे रहा है। मैंने खरीद ली, 2 ईयर वारंटी थी, 2 डेज बाद वो हो गया, अनार का जूस बनाया सारा जहर निकला, मर गया बंदा, ठीक है, तो ये तो गड़बड़ हो गई। स्टिपुलेशन जो आपने दिए 2 साल की वारंटी, तो 2 साल की वारंटी दिए तो चलना तो चाहिए, तो ऐसे में मेरी बेइज्जती हो गई, सामान भी ख़राब निकला, तो बाहर क्या सेलर के अगेंस्ट में लीगल एक्शन नहीं लेगा? देख, हम लॉ की बात तब करते हैं जब डिस्प्यूट होता है। सेलर ने अपने आप प्यार से दूसरा दे दिया मिक्सर ग्राइंडर, तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लो सेलर दे ही नहीं रहा, तो अब आप इस कोर्ट का, कचहरी का जो है यूज़ करोगे। समझ में आ गया स्टिपुलेशन? स्टिपुलेशन मीन्स स्टेटमेंट गिवन बाय द सेलर एंड समटाइम मे बी इम्पोज्ड बाय लॉ। एक्सप्रेसली तो बेटे हजारों स्टिपुलेशन हो सकती है नहीं। मैं अपना गुड्स बेच रहा हूँ तो मैं 10,000 अलग अलग टाइप की स्टिपुलेशन भी बता सकता हूँ अभी क्लास में, लेकिन ज़रूरत नहीं है। स्टिपुलेशन मतलब सिंपल स्टेटमेंट जो सेलर क्लेम कर रहा है। बायर ने गुड्स खरीद लिया, स्टेटमेंट के ऊपर, स्टेटमेंट बायर के लिए एसेंशियल थी, तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो स्टेटमेंट झूठी निकली तो बायर पे 4 अधिकार। यहाँ तक ओके? तो मैं आपसे ये इम्पोज्ड बाय लॉ का बता रहा हूँ। एक्सप्रेसली तो कई सारी स्टिपुलेशन सेलर दे सकता है, लेकिन कई स्टिपुलेशन ऐसी होती है जो इम्प्लाइडली होती है, जो सेलर और बायर के बीच में बोलने की ज़रूरत। अच्छा, आप में से रिसेंटली कोई कौन खुद ही गया था मोबाइल फ़ोन खरीदने? एक भाई, आप गए थे मोबाइल फ़ोन खरीदने, तुम बताना तुम्हारा नाम क्या है? तरुण। तरुण भाई, मोबाइल फ़ोन की दुकान पे फ़ोन आपने ख़रीदा, पेमेंट करी, बिल लिया, फ़ोन के बारे में जानकारी ली होगी जो भी, या तो पहले से पता होगी, आजकल सब गूगल करके जाते, लेकर आ गए। क्या उस पूरे दौर में आपने फ़ोन की दुकान वाले से ये पूछा कि ये फ़ोन चोरी का तो नहीं है? पूछा भाई किसी नए फ़ोन की बात करो, आपने पूछा था? सेकेंड हैंड की बात नहीं करा, नए की बात करो, नया फ़ोन आप ख़रीदने जाओ, क्या आपने पूछा कि ये फ़ोन चोरी का तो नहीं है? अच्छा, सेकेंड हैंड में भी नहीं पूछते हम, किसी इज्जतदार के पास जाओ तो बढ़िया बंदा बैठा, चोरी का तो नहीं है, मारेगा भी बिठा के, साल है मजाक करा मेरे साथ, हाँ जी पूछते हो क्या चोरी का तो नहीं है? नहीं पूछते। नेहरू प्लेस जाओ, लैपटॉप खरीदो 1.5 लाख का, दुकान का मालिक है, इसमें 150 लैपटॉप रखे हुए हैं, मालिक ने ये गोल्ड की मोटी चेन पहनी हुई है, 10 एम्प्लॉई काम कर रहे हो, तुमने लैपटॉप खरीदा और ख़रीदते वक्त जैसे बिल देने गए, भाई चोरी का तो नहीं है, तो उसने ना एक गोदाम खोपचे में बना रखा है तुम जैसे लोगों के लिए, वहाँ बिठाएगा पहले, इधर आते यार 2.5 करोड़ का माल लेके बैठा हूँ मैं नेहरू प्लेस जैसी जगह पे, और तू मेरे से पूछ रहा है चोरी का तो नहीं है? अरे ये अजम्पशन है, ये इम्प्लाइड है कि आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है, तो समझ रहे हो? ठीक है जी, आप लैपटॉप लेकर आ गए घर, आपने पूछा नहीं, अब आराम से रात में आप अपनी निब्बी से बात कर रहे थे लैपटॉप पे, व्हाट्सएप पे, बढ़िया तरीके से, और बात करते करते आपका जो मामला है वो थोड़ा सा ऐसा हुआ कि अब बात हो चुकी है, 2 बज गए, इतने में खटखट खट की आवाज़ आई गेट पर, आपने गेट खोला और घसीटते हुए आपको क्राइम ब्रांच वाले ले गए, और आपकी निब्बी अगर सामने ही था वो बालकनी से देख रही है आपको घसीटते हुए, अच्छा जा रहा है, सही है जाने दो, साला रिचार्ज नहीं करवाया, ठीक है, तो मुझे घसीटते हुए लेके जा रहे क्राइम ब्रांच वाले, तो क्या लगता है क्यों लेके गए? वो लैपटॉप चोरी का था। आ रही बात समझ? और आपको रात भर तोड़ा,
क्राइम ब्रांच वालों ने, और आपके घर पे फिर बाद में अगले दिन भेजा। तो ये जो इतनी घनघोर बेइज्जती हुई आपकी, एक तो देखो लैपटॉप चोरी का निकला, तो अब आप क्या करोगे सेलर के अकॉर्डिंग, क्या करोगे सेलर से? पहले कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, लैपटॉप वापस, प्राइस, और अब डैमेज लोगे, वो जो भरी रात में जो घसीटते हुए लेके गए, एक ही प्यार बड़ी मुश्किल से मिला था वो भी चला गया, तो उसका डैमेज लोगे या नहीं? क्योंकि ये एसेंशियल है, ज़रूरी है सर। वारंटी, सॉरी ये जो टाइटल है यानी ओनरशिप, ये होनी बहुत जरूरी है। तो ये पूरा चैप्टर ना ये इम्प्लाइड पे ही है, एक्सप्रेस पे कुछ नहीं है, अभी आगे बताऊंगा। बस एक एग्जांपल देना था जो यहाँ पर दे दिया आपको, क्लियर है? तो ओवरऑल एक ही लाइन में एक सिंगल बात, सेलर ने बायर को स्टिपुलेशन दी है, मतलब स्टेटमेंट दी है। अगर वो स्टेटमेंट बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेंशियल है तो वो कंडीशन, अगर वो स्टिपुलेशन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोलेट्रल है तो वो वारंटी, अगर एसेंशियल है तो बायर के पास चार अधिकार। इन द केस वेयर सेलर ब्रीच द कंडीशन, देन बायर हैज फोर राइट, राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, राइट टू रिटर्न द गुड्स, राइट टू क्लेम फॉर प्राइस, क्लेम फॉर डैमेज, दैट्स इट। और वारंटी में क्योंकि कोलेट्रल है मतलब सेकेंडरी है, तो सिर्फ एक सिर्फ डैमेज क्लेम कर सकता है, ठीक है जी। अब देखो स्टिपुलेशन दो टाइप की है, कंडीशन, इट मींस एन स्टिपुलेशन व्हिच इज एसेंशियल फॉर मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड व्हेन कंडीशन इज नॉट फुलफिल बाय द सेलर तो वो क्या हो जाएगा, ब्रीच ऑफ। तो बायर पे कितने राइट हैं, राइट टू रिस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट, रिटर्न द गुड्स, क्लेम फॉर प्राइस, क्लेम फॉर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बात करते हैं वारंटी की, तो वारंटी मींस एन स्टिपुलेशन व्हिच इज सेकेंडरी मींस कोलेट्रल फॉर मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इन द केस ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी द बायर हैज ओनली सिर्फ डैमेज ले सकता है। कैसा लगा? ठीक है आगे बढ़ते। अब बेटे ये कह रहा है जी कंडीशन कितने टाइप के होते हैं, बेटे कंडीशन होते हैं दो टाइप के, एक आपकी कंडीशन है एक्सप्रेस कंडीशन, एक आपकी कंडीशन है इम्प्लाइड कंडीशन, एक्सप्रेस इम्प्लाइड। एक्सप्रेस का मतलब होता है एनीथिंग विच इज एग्रीड बाय द पार्टी, भाई सेलर ने बायर को कुछ भी क्लेम कर दिया बायर भी मान गया। सेलर आजकल तो देख रहे हो आप लोग कितनी सारी एक्सप्रेस कंडीशन आ रही है, बिग बास्केट सुना है नाम, क्या है उसमें, 10 मिनट में ग्रोसरी आपके घर पे। आप 28वें माले में रहते हो, लिफ्ट है नहीं आपकी बिल्डिंग में। अच्छा आपने 100 ग्राम मूंग की दाल मंगाई हो ऐसे में वो डिलीवरी हुए पहले आपका मर्डर करके फिर जाएगा अच्छा पहले इसको मारो साले है इमेजिन करो आपने 100 ग्राम मूंग की दाल मंगाई 28वें माले पर और वहां पर लिफ्ट खराब है, है जी आती गिफ्ट आपका है सही है। इमेजिन करो वो चढ़ते 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 आया, इधर सुनो, वो चढ़ते चढ़ते ऊपर आया 28वें फ्लोर पे और आपने उसी के सामने ऑनलाइन पेमेंट कर रखी थी, उसी के सामने प्रोडक्ट खोला, उसमें 100 ग्राम मूंग की दाल और उसकी शक्ल को देखना था। 1 किलो का पकौड़ा तो उसकी शक्ल बनी होगी कम से कम, और वो इतना गुस्सा कर रहा होगा कि ये भाई कुछ आ रहा है समझ तो ये जो बिग बास्केट वाले क्लेम कर रहे हैं क्या कह रहे हैं, 10 मिनट में डिलीवरी, भाई पूरे 9 महीने लगने दो, 10 मिनट में क्यों करवा रहे हो, 10 मिनट के अंदर ये लोग क्या करवा रहे हैं, डिलीवरी करवा रहे हैं। तो ये जो डिलीवरी 10 मिनट में हो रही है ये सारी क्या है, ये सब स्टिपुलेशन है, कौन दे रहा है, किसको दे रहा है, क्यों दे रहा है? अरे मार्केट के अंदर इतने सारे कॉम्पिटिटर बैठे हुए, सब कुछ ना कुछ नई नई स्टिपुलेशन दे रहे, तो ये जितनी भी स्टिपुलेशन निकल रही है कौन सी है, एक्सप्रेस है या नहीं है? और एक्सप्रेस स्टिपुलेशन हजारों टाइप की हो सकती है, समझ गए? तो
क्या लगता है आपको, ये हजारों टाइप की स्टिपुलेशन को पढ़ाने की जरूरत है यहाँ पर? है, अब मैं आपको यहाँ बताऊं कि भाई सुजाता की कंपनी ने मिक्सर ग्राइंडर जूसर पे 6 महीने की वारंटी दे रखी है, तो उसके लिए क्या कानून कहता है? तो आप लोग इतनी सारी बातें मत करो, आपके एक्ट में भी ये सारी बातें नहीं है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्टिपुलेशन वो वाली जो इम्पोज्ड बाय लॉ है, मतलब चुप हो आप जिस पर, वो वाली बता रखी है, मतलब इम्प्लाइड कंडीशन। आगे बात समझ, कंडीशन कितने टाइप की है? मैं 100% श्योर हूँ क्वेश्चन आएगा यहाँ से, 100% श्योर यहाँ से क्वेश्चन आएगा इम्प्लाइड कंडीशन से। कलम चलनी चाहिए बिल्कुल मोहब्बत से, ब्लैक बॉल पेन अच्छे वाला है ना जी, सारी की सारी अभी मैं रटवाऊंगा क्लास के अंदर ही। इम्प्लाइड कंडीशन एक्सप्रेस हमें नहीं पढ़नी। तो बेटे मेरे, इम्प्लाइड कंडीशन होती है 7, कितनी? 7। एक एक करके बोलूंगा और अभी पूरी की पूरी ओरली बोलूंगा, वर्बली बाद में देखूंगा नोट्स के अंदर, ठीक है? सारे एग्जांपल्स एक एक कर दिमाग की बत्ती ओपन रखना। सबसे पहली कंडीशन, कंडीशन एस टू टाइटल। जब भी आप कोई सामान खरीदने सेलर से जाते हो तो आप ऑलवेज ये एज्यूम करते हो कि सेलर इज द ओनर ऑफ गुड्स। समझ में आई बात? हम कभी भी नहीं पूछते कि सेलर गुड्स का ओनर नहीं है, हमें पूछने की आवश्यकता है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? सेलर इज ओनर ऑफ द गुड्स, द बायर ऑलवेज एज्यूम दैट द सेलर इज ओनर ऑफ द गुड्स। अच्छा, ओनरशिप आप सबके लिए बताओ, कंडीशन है या वारंटी? अच्छा, मैं इसको ऐसे शब्द में पूछता हूँ, ओनरशिप आप सब लोग बताओ, आप सबके लिए एसेंशियल है या कोलेट्रल? अरे उसके लिए ही तो ये सारा काम कर रहे हैं, ओनरशिप के लिए, तो वो आपके लिए एसेंशियल होगी। समझ में आई बात? अच्छा, वो आपके लिए एसेंशियल है और आप एज्यूम करके गए कि सेलर इज द ओनर ऑफ द गुड्स, लेकिन सेलर ओनर नहीं निकला, उसकी वजह से आपका नुकसान हो गया। तो आपके पास कितने अधिकार, कौन कौन से? राइट टू रिटर्न द गुड्स, राइट टू क्लेम फॉर, ये 4 बातें। डन मेरे भाई, कोई दिक्कत? तो पहला है कंडीशन एस टू टाइटल, ठीक है? दूसरा कंडीशन एस टू सैंपल। सैंपल समझते हो? जो टीचर है उसने पहली क्लास में डेमो भयानक, बच्चा फैन काउंटर पे पूरी फीस जमा करके आ गया, अगले दिन से वो उसने जिंदगी खराब कर दी बच्चे की। समझ में आ रही है बात? कैसा लगेगा? हम एक जगह पढ़ते थे, नाम नहीं लूंगा, ठीक है? अब लॉ ही पढ़ाता था, एक टीचर था, वो लॉ बताया हुआ है, वो भाई साहब एक सिंगल क्लास में पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म। अच्छा, पहले बताया था मैंने, एक क्लास में कॉन्ट्रैक्ट खत्म, वो भी बुक से, बुक निकाली, हम लोग बैठे और मुंह में गुटखा उसके, वो अजय देवगन का फैन था, ठीक है, मुंह में गुटखा और पढ़ा रहा, अगली 4 सीट खाली क्योंकि उसे गुटखे का, ठीक है? अब वो पढ़ाए वहाँ पर, एक तो वैसे ही उसके आधी बात तो वैसी समझ में नहीं आ रही थी, हमें ओंग 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 कर रहा था बंदर की तरह, ऊपर से पूरा कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, हम लोगों ने कितना टाइम लिया? लगभग 1.5-2 महीने लिए, 1.5 से 2 महीने के बीच में। वो भाई साहब ने 2 पूरे लिए, लेकिन घंटे, नॉट महीने। इतने में हमारी बॉडी रमा नहीं होती यहाँ पर, 2 घंटे ही क्लास में, पता भी नहीं चलता, इतने में हमारी रिवीजन होती है 40 से 45 मिनट। कह रहा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म, इधर आ भाई, क्या है, कहाँ से ख़त्म? कह रहा तू मुझे सुखाएगा? अगर नहीं करो, 12 साल से पढ़ा रहा हूँ। मगर इधर आ, 13 साल हो गए पढ़ते हुए, 12 साल स्कूल में गया था, 1 साल तेरे वहाँ, तेरे से सीनियर हूँ, ढंग से बात कर। वो गजबी लेवल का बंदा भाई। अच्छा, उससे पहले उसने एक डेमो क्लास दी थी, वो बड़ी अच्छी थी, बिना गुटखा खाए साफ सुथरे कपड़े पहन के वो आया था। अगली क्लास में उसने ऐसा रंग दिखाया कि क्या ही बताए, अब बताओ मूड खराब होगा नहीं होगा? तो क्या किया जाए? पहले कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करा, फिर रिटर्न द गुड्स। वैसे तो ये सर्विसेज थी,
लेकिन मान लो गुड्स बेच रहा होता तो उसके गुड्स को उसको क्या करते, वापस पैसे लेते और फिर डैमेज भी लेते। जो हमारी शर्ट उसने लाल करी थी क्लास के बीच में, ठीक है जी, उसका क्या लेते हैं हम, डैमेज लेते। अब सैंपल में ध्यान से सुनना, आप किसी, मान लो कि आपके घर में ना कोई फंक्शन है, फंक्शन है कि आपके घर में लोग मेहमान आने वाले हैं शाम को, तो आप किसी मान लो उसके पास गए, जो स्वीट्स कॉर्नर जो है, अगरवाल स्वीट बड़े फेमस है। अब अगरवाल स्वीट पे गए, अगरवाल स्वीट पे बोला भाई 10 किलो 10 किलो रसगुल्ले चाहिए और शाम को घर में फंक्शन है, लेकिन पहले टेस्ट करवाओ। अच्छा, अगरवाल वाला भी खतरनाक है, उसने टेस्ट वाले 1 किलो ढंग अलग से बना रखे हैं कि कोई भी टेस्ट करेगा तो ये खिलाऊंगा। उसने वो निकाल के खिला दिया, बड़ा स्वादिष्ट। कह रहा भाई 10 किलो छोड़, 12 किलो पैक। ठीक है भाई, 12 किलो पैक करके वो बंदा उस रसगुल्लों को घर पे लेके गया। फंक्शन वंक्शन स्टार्ट हो गया और जैसे ही रसगुल्ले खोला, वहां पर एक फन मार के एक चींटी बैठी हुई ऐसे देखते हुए, डब्बा बंद कर खाने में बिजी हो। ठीक है जी, अब भाई ठीक है, पीछे 3 मक्खियां आपस में लड़ रही है रसगुल्ले के डब्बे के अंदर, और उस रसगुल्लों में से स्मेल आ रही। 4 5 6 मेहमानों को दिया, और मेहमान भी सारे ससुराल से आए थे, इमेजिन करो बेइज्जती का लेवल क्या होगा। ठीक है, उन सबको दिया और जैसे ही उन्होंने खाया, उनकी तबीयत भी खराब हो गई और वो लोग गालियां देने लगे। इज्जत वैसी नहीं थी, इज्जत बनाने के लिए उन्होंने फंक्शन करा और वो इज्जत भी वहां पर मिट्टी में। अब बताओ क्या किया जाए ऐसे। वो अग्रवाल स्वीट पे गया, उसने कहा भाई ये तो तूने खिलाई तो बहुत बढ़िया थी, ये क्या आइटम था। तो देखा वो जो जो मिठाई की दुकान है वो एल कॉर्नर की दुकान थी, पीछे से एक और गली जा रही थी, उसमें एक छोटा सा कमरा बना हुआ था जहाँ पर वो मिठाइयाँ बनती है। तो एक मोटे से पेट का बंदा, जो बनियान जिसकी सफ़ेद सफ़ेद 18 बाई 6 होते हैं, काला सा, उनको पसीने से तरबतर, वो बंदा उस रसगुल्ले को बना रहा और आधा पसीना रसगुल्ले की कढ़ाई में। ठीक है, आप सबकी शक्लों को देख रहा हूँ मैं, कितना बढ़िया लग रहा है। इमेजिन करो कितना मूड खराब होगा, होगा या नहीं होगा भाई, तुम लोग खुद बताओ, इमेजिन करके होगा। मतलब तुम सैंपल कुछ और दिखा रहे हो और असल माल कुछ और है। हाँ भाई, तुम सैंपल कुछ और दिखा रहे हो और असल माल कुछ और है। शादियों में ऐसा होता है, फोटो दिखाई जाती है पहले। मेरी बीवी सुबह कह रही चल झूठा, मैंने कहा तू भी तो मेकअप करके आई थी। सुनो ध्यान से, इधर सुनो, तू एक्साइटेड क्यों हो रहा है भाई, ज़्यादा इधर आ जा। मतलब आपको फोटो कुछ और दिखाई और असल में कोई और, तो सैंपल कुछ और असल आइटम कुछ और, क्या करोगे आप? तो कुछ नहीं कर सकते। शादी ये सही कह रही है, आप तो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा मैं मजाक कर रहा हूँ, मैंने अपनी वाइफ को ऐसा नहीं बोला, वरना मैं आज क्लास में आ ही नहीं पाता, है ना। मेरे को वही घेर लेती हूँ। अभी सुनना, कंडीशन एज टू सैंपल भाई, सैंपल जैसा हो वैसे ही प्रोडक्ट होना चाहिए। सैंपल के अलावा प्रोडक्ट मिला तो 4 राइट, सेम वही वाले। और सैंपल जो आपने लिया तो आप यही तो एज्यूम करोगे कि बाकी के रसगुल्ले भी वैसे ही हो गए, या सारे चखोगे शबरी हो, सारे बेर यही खा के फिर भगवान को देंगे, नहीं ना। एक खाया और बाकी सब एज्यूम करोगे कि बाकी सब वैसे ही है। या तुम जैसे वो लोग हमें आगे सर कितनी क्लास में लॉ हो जाएगा, हमने कहा जी 52 क्लास में, तो सर 52 डेमो क्लास लेंगे फिर फीस देंगे, ऐसा तो नहीं होता। डेमो कितने लोगे वो भी हम पता कहते थे, बेटे चैनल पे चले जाना, चैनल पे देख लो हमारी क्लास कैसी होती, कुछ आ रहा है समझ में। तो एक ही चीज़ को सैंपल लोगे, बाकी चीज़ आप एज्यूम करोगे कि वो वाली चीज़ क्या है अकॉर्डिंग टू सैंपल, और अकॉर्डिंग टू सैंपल नहीं हुई तो चार लाइन। समझ में आ गई बात? तो दो बातें बता दी, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है? कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, तो बेटे मेरे डिस्क्रिप्शन मतलब होता है बायर, सेलर ने बायर को डिस्क्रिप्शन दी, डिटेल्स अबाउट द गुड्स। ध्यान से सुनना, मान लो सेलर ने
बायर को डिस्क्रिप्शन ये थी कि ये जो रसगुल्ला है ये सीधा सिंगापुर से इम्पोर्टेड है। यार क्या थी डिस्क्रिप्शन, ये जो रसगुल्ला है ये कहाँ से इम्पोर्टेड है, सिंगापुर से। या आप कोई नॉर्मल गुड्स खरीदने जाओ, संतरे खरीद रहे हो, कहते सीधा नागपुर से आए हैं। कहाँ से आए हैं, नागपुर, क्योंकि नागपुर फेमस है किसमें, साड़ी खरीदने के बोले डायरेक्ट बनारस से आई है, खुद ही चल के आ रही है। या आप कोई पान की दुकान पे गए तो बोला बेटे अभी जस्ट बनारस से लैंड हुआ है, फटाक से खा ले, नहीं समझे। डिस्क्रिप्शन मतलब कुछ गुड्स से रिलेटेड डिटेल, और बाद में पता लगा ये डिस्क्रिप्शन जो है वो झूठी है। जैसे मैं बोलूँ कि ये इटालियन मार्बल है, अब तुम अपने घर ले गए वो खरीद के, वो इटालियन मार्बल नहीं था, वो शेख सरैयन पत्थर था, ठीक है। मार्बल जैसा लग रहा था, तो हो गया ना नुकसान तुम्हारा। अब तुम चमका रहे हो अपने दोस्तों को, देख इटालियन मार्बल है, समझ भाई बात। तो अब तुम जैसे कोई जूते पहनते हो, तुमने एडिडास के जूते पहने और तुम चमका रहे हो अपने दोस्तों को, देख एडिडास है। दोस्त ने आया, लुप्पी सी पर्ची होती है वो ऐसे हटाई, कहता देख क्या लिखा हुआ है इसके नीचे, तो एडिडास लिखा हुआ है, हो गई बेइज्जती। इट मीन्स वॉट, देवदास सही था। इट मीन्स क्या, जो डिस्क्रिप्शन दी है वो डिस्क्रिप्शन क्या है, गलत है। तो बायर पे कितने राइट, चौथा वाला सबका बाप है, कंडीशन एज टू सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। वो अग्रवाल स्वीट वाला खतरनाक लेवल का आदमी है। रसगुल्ला वो जो खिलाया, वो तो खिलाया तो साथ में यही बोला ये रसगुल्ला डायरेक्टली इम्पोर्टेड फ्रॉम सिंगापुर है। तो अभी एयरपोर्ट से लेकर आए, देख गाड़ी से धुआं निकला, अभी गाड़ी की राख भी ठंडी नहीं हुई, जल्दी ले जा भाई। बंदा ले गया, सबको कह रहा है सिंगापुर का रसगुल्ला, सिंगापुर का रसगुल्ला, पीटी उसके अंदर इंडियन बैठी हुई थी। अरे ये क्या मामला है, कुछ समझ रहे हो, सैंपल भी झूठ और डिस्क्रिप्शन भी झूठ। पांचवा, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड्स। तो बेटे जनरली इस वाले लाइन पर जो पांचवा पॉइंटर, इस पर कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होता। पांचवा पॉइंट क्या है, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड्स, जनरली इस पर इंप्लाइड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होता। यहां पर एप्लीकेबल होता है केवीए टेम्परेचर, नाम सुना है कभी, केवीए टेम्परेचर। बेटे केवीए टेम्परेचर आगे टॉपिक आएगा वहां बताऊंगा। केवीए टेम्परेचर मतलब होता है लेट द बायर बीवेयर। भाई सिंपल है, इंडिया में ये बता रखा है कि बायर को खुद ही बीवेयर रहना पड़ेगा जब भी वो सामान को खरीदने जाता है। लेकिन मान लो बायर ने अपना पर्पस डिस्क्लोज कर दिया सेलर को, बायर ने बता दिया कि मुझे इस तरीके का गुड्स दो, और तब भी सेलर गलत क्वालिटी का गुड्स दे रहा है, तो आप कौन लाइबल, समझ गए, समझ गए बात। तो कितने पॉइंट हो गए, पांच बता दिए, कंडीशन एज टू सैंपल, सॉरी एज टू टाइटल, एज टू सैंपल, एज टू डिस्क्रिप्शन, एज टू सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड्स, यहाँ तक ओके। छठा, कंडीशन एज टू होलसमनेस ऑफ ईटेबल गुड्स, होलसमनेस ऑफ ईटेबल गुड्स। होलसमनेस मतलब होता है प्योर और हाइजेनिक, ये सब कुछ आगे आएगा, अभी सिर्फ ओरली समझा रहा हूँ टॉपिक को, ठीक है। सब कुछ आगे मैं आपको पढ़वाऊंगा एक एक शब्द। कंडीशन एज टू होलसमनेस ऑफ ईटेबल गुड्स, होलसमनेस मतलब होता है प्योर एंड हाइजेनिक। मान लो आप मैकडोनल्ड गए, मैकडी से बर्गर लिया, महाराजा बर्गर कितने का आता है पता है किसी को, आता है 150-200 का आता है वो, ठीक है। अब गूगल मत करना, 150 रुपये का मान लो चलो जी बर्गर लिया, बर्गर लिया महाराजा बर्गर, थोड़ा बड़ा होता है ऐसे पकड़ा, गर्लफ्रेंड साथ में ही थी, दो महाराजा लिए थे, ठीक है। तुम्हारी किस्मत इतनी बढ़िया, तुमने बर्गर खाया और तुम्हारे फ्रंट के दो दांत नीचे, वो जो टिक्की थी वो टिक्की के अंदर टिक्की नहीं थी, पत्थर था, दोनों दांत फ्रंट से नीचे, मैडम डर गई सामने, ये कौन है भाई, तुम समझ रहे हो। जो ईटेबल गुड्स है वो प्योर और क्या होना चाहिए, क्या लगता है आपको,
या मैगडी वाले के साथ क्या किया जाए, दो दांत टूटने के बाद अरे उसके पहले चार के, बेटा कानूनी बात करो ना, ऐसे मत करो, ये सब नहीं, क्या किया जाए, तो चार राइट भाई, प्योर और हाइजेनिक। अभी देखो हम लोग जो खाना खाते हैं बाहर का, जैसे आप लोग हल्दीराम गए होगे, रेस्टोरेंट जाते हो, आप लोग क्या उम्मीद करते हो कि आपको जो आपको खाना मिले वो बिल्कुल प्योर और हाइजेनिक मिले या नहीं? भाई आप पे कर रहे हो, मैंने कल रात को ही थाली मंगाई हल्दीराम वाली वेज थाली, उसमें करीब 390 रुपये के आसपास ही वो थाली थी, दो लोगों के लिए मंगाई, तो लगभग 800-850 रुपये की घर में थाली मंगाई, और वो प्योर और हाइजेनिक नहीं होता तो हम देखो पे भी कर रहे हैं, 800 रुपये कम है आपको क्या लगता है? नहीं, 30 रुपये में छोले भटूरे आते हैं बाहर, और हल्दीराम का टेस्ट और उसका टेस्ट बिल्कुल ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है कभी कभार, तो ये छोले कुलचे वाला है ना पीछे, बड़ा बढ़िया देता है, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि हम इतनी पेमेंट कर रहे हैं तो वो खाना जो है वो क्या हो, प्योर और हाइजेनिक, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट है, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी ऑफ गुड्स। मर्चेंटेबिलिटी मतलब होता है फिट फॉर द पर्पस। आप लेकर आए टेलीविजन, तो टीवी क्यों लेकर आए हो? शो ऑफ करने के लिए? दीवार पे लटका रहेगा? आजकल वैसे लोग यही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी तो चला ही लेते हैं। मान लो वर्ल्ड कप फाइनल है आज, आप टीवी लेकर आए और आपने गली में सबको न्योता दे दिया कि हमारे घर में डिनर भी है, वर्ल्ड कप का मैच देखेंगे पॉपकॉर्न के साथ, पॉपकॉर्न बना के तैयार, सब कुछ ओके, मैच स्टार्ट हो गया, बिल्कुल एक मिनट है, सबने टी शर्ट वी शर्ट पहन ली, तिरंगा विरंगा लगा लिया, टीवी चलाया, चल ही नहीं रहा, फिर रिमोट ऐसे मारा, चल ही नहीं रहा, हो गई बेइज्जती। जो टीवी लेकर आए थे बस वो चल नहीं रहा, बाकी सब समझ रहे हो? आप जब टीवी लेकर आए हो तो वो टीवी का क्या होना चाहिए? अच्छा, मोबाइल फोन ले आए, बस फोन पे बात नहीं हो सकती, बाकी सब मतलब मोबाइल का मतलब क्या है? मतलब आप जिस चीज को लेकर आए हो वो चीज उस पर्पस पे फिट होनी चाहिए या नहीं, तो समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं मर्चेंटेबिलिटी, क्लियर है? तो 7 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, समय आपका हो चुका है, सुनना ध्यान से। मैंने आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की यूनिट नंबर 2 की आज शुरुआत करी है, कंडीशन एंड वारंटी। यूनिट 1 का कुछ हिस्सा जो है वो बचा हुआ है, मैं बताऊंगा आपको। कंडीशन एंड वारंटी यूनिट नंबर 2, जहां मैंने आपको बताया सेलर बायर को एक स्टेटमेंट देता है, और वो स्टेटमेंट अगर बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेंशियल है, मतलब ज़रूरी है, तो वो कंडीशन होगी, और अगर ज़रूरी नहीं है, मतलब कोलैटरल है, तो वो क्या होगी? वो होगी वारंटी, क्लियर है? अगर कंडीशन है मतलब एसेंशियल है, तो बायर पे 4 अधिकार, राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, रिटर्न द गुड्स, क्लेम फॉर प्राइस, क्लेम फॉर डैमेज, और बायर पे 1 अधिकार किस केस में? समझ में आ गई बात? कंडीशन 2 टाइप की होती है, एक एक्सप्रेस कंडीशन, एक इम्प्लाइड कंडीशन। एक्सप्रेस कंडीशन को हमें नहीं पढ़ना, इम्प्लाइड कंडीशन को हमें पढ़ना है, जो कि इम्पोज्ड बाय लॉ होता है। 7 तरीकों की इम्प्लाइड कंडीशन है, अभी आपको ये 7 के 7 मैंने सिर्फ वर्बली बताई है, नेक्स्ट क्लास में लिख के बताऊंगा, मतलब नोट्स में देखकर। पहला है कंडीशन एज टू टाइटल, दूसरा एज टू सैंपल, तीसरा एज टू डिस्क्रिप्शन, चौथा सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, पांचवा कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस और गुड्स। लेकिन जनरली यहाँ पर कंडीशन अप्लाई नहीं होती, यहाँ केवीए टेम्पटर अप्लाई होता है। और अगला कंडीशन एज टू होलसमनेस ऑफ ईटेबल गुड्स और मर्चेंटेबिलिटी, सही है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।